छत्तीसगढ़ के जम्मो रवैया मन ला अति तिहार के गाढ़ा गाढ़ा बधाई। छत्तीसगढ़ में रह के छत्तीसगढ़ के त्यौहार के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम लोग अति त्यौहार ऑर्गेनाइज कर रहे थे बच्चों के साथ, जो करने में बहुत ही मज़ा आया। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे से सारी अरेंजमेंट की थी ये अति त्यौहार के लिए, और हमें बहुत ही आनंद आया। छत्तीसगढ़ के वासी अक्ति त्यौहार में पुत्र पुत्री विवाह करते हैं, इसमें सारे बच्चे ऑर्गेनाइज लेते हैं, बड़े भी इसका पार्ट होते हैं, पर सारी जो एक्टिविटी है वो बच्चों के द्वारा की जाती है। पर हमारे साथ अभी मम्मी पापा और बड़े लोग भी शामिल हुए थे इसमें। पुत्र पुत्री विवाह में सारी जो रस्में होती हैं शादी के टाइप ही हमने की, हल्दी की रस्म, चुलमाटी, हल्दी चढ़ाव, तेल मायन, मड़वा, सारी चीज़ें की हमने। और जो अक्ति त्यौहार में जो पुत्र पुत्री का जो है विवाह कराया, सारे जो बड़े लोग थे हमें गाइड कर रहे थे कि अब कौन सी रस्म करनी है और कैसे करनी है। पहले वो हमें करके बता रहे थे, फिर उसके बाद हम वो सारी चीज़ें रिपीट कर रहे थे। ये करने में बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे अब हल्दी की रस्म हो रही है, जिसमें गुड्डा गुड़िया को बारी बारी से हल्दी चढ़ा रहे हैं। फिर बाद में हल्दी चढ़ाने के बाद हल्दी उतारने की रस्म होती है, जो तो हम इसके बाद करें। मैंने तो खूब इंजॉय किया, साथ ही हम लोगों ने और बड़े लोगों ने भी बहुत ही इंजॉय किया, खूब डांस किया, हमें बहुत ही मज़ा आया इसको मनाने। पुत्रा और पित्री को ये लोग ऐसे घुमा रहे हैं राउंड, फिर उनको बिठा के फिर हल्दी चढ़ाएंगे। बच्चे ही सारा फंक्शन कर रहे थे, तो उन्हें एक तो सारी शादी की सारी रस्मों के बारे में नॉलेज भी मिल रहा था, और साथ ही वो एंजॉय भी कर रहे थे कि कैसे कौन सी चीज़ें करनी है। तो उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा था, पर उन्होंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से की। लोग अपना आंचल दे रहे थे, वो सारे उसमें भी सारे बच्चे या बड़े कोई भी बैठ के वाली रस्म कर ले रहा था। और यहाँ पे पहले बच्चे बैठ रहे थे और ये पहले हल्दी चढ़ा रहे हैं। अब हम त्यौहार के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर हमारे घर में ऐसा होता है कि जो एग्रीकल्चर करते हैं किसान, वे अक्ति त्यौहार के दिन के मनाने के बाद से ही आम खाना चालू करते हैं। जब तक ये अक्ति त्यौहार अक्षय तृतीया नहीं मनाया जाता, तब तक वे आम खाना स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पहला जो धान इसी दिन बोते हैं उसके बाद ही वो आम खाना स्टार्ट करते हैं। बच्चों ने त्यौहार मनाने के लिए बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया, पर क्या है दूसरे दिन बहुत आंधी तूफान आया, तो हमारा सारा प्रोग्राम जो है वो इधर अस्त व्यस्त हो गया। का जो मेन हम लोग मुहूर्त रखे थे करने का, तो उसके मतलब इस टाइम पे हम शादी करेंगे और बारात वरात का फंक्शन करेंगे, तो पानी गिरने लगा और मौसम बहुत ख़राब हो गया। तो मैं फंक्शन में नहीं जा पाई, तो फिर उसके बाद जो उसके बाद की एक्टिविटी थी मैं उसमें पहुंची। डायरेक्ट जो होता है उनका, तो मैं डायरेक्ट टिकावन में पहुंची, तो बाकी जो बीच की जो वीडियो थी वो मेरे से स्किप हो गई, क्योंकि मैं जा नहीं पाई इनके फंक्शन में। पानी बारिश और हवा चल रहा था, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था इसके चलते। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं आपसे पूरा वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा ही वीडियो शेयर कर रही हैं। आधी रस्में मेरे से स्किप हो गई हैं क्योंकि मौसम ख़राब था। रात में हम लोगों ने हल्दी चढ़ाने की रस्म की, फिर उसके बाद हम लोगों ने दिन के समय हल्दी उतारने वाली रस्म कर ली। तो हमारा ये हल्दी तेल मायन वाला जो फंक्शन था और रस्म थी वो पूरा हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने रात में सोचा था कि शादी वाली रस्म और बारात वो सब करेंगे, तो पानी गिरने लगा, तो वो सारी चीज़ें मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई और पॉसिबल नहीं हो पाया, और मैं जा भी नहीं पाई। भाई बहन और काका काकी जो लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उनको इस त्यौहार के बारे में सारी नॉलेज होगी, मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। पर हम बहुत टाइम से बचपन से छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो हमको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है। बच्चे खूब डांस कर रहे थे और ऑर्गेनाइज कर रहे थे और हम सारी एक्टिविटी में पार्ट लेके नाच रहे थे। बड़े लोगों ने भी इसमें खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और डांस वांस कर रहे थे, मज़ा आया हमें। आप लोग भी छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो आप लोग को भी इस त्यौहार के बारे में जानना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ी तो आता ही होगा। हमारी दिन में स्टार्ट हुई थी हल्दी उतारने वाली रस्म, तो अब इसमें हम हल्दी उतारेंगे। बच्चे तो कुछ कुछ गलतियां भी कर रहे थे, तो बड़े उन्हें समझा रहे थे कि ऐसा करना है वैसा करना है। तो
तो हम लोगों को भी इस त्यौहार, मैं पहली बार इस मतलब त्यौहार में पार्टिसिप मतलब गई और ऐसे पर्सनली की और देखा कि कैसे मनाते हैं अक्ति त्यौहार। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया गुड्डा गुड़ियों की शादी रचाने में। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप किसके किसके घर में गुड्डा और गुड़ियों की शादी कराई जाती है। ये लास्ट एक्टिविटी थी बच्चों के द्वारा। फिर उसके बाद मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो आगे का फंक्शन मैं अटेंड नहीं करी। मैं गई डायरेक्ट टिकावन में, और फिर यहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी क्योंकि करंट पानी गिरने के कारण जो है करंट ऑफ था, तो बाकी रिकॉर्डिंग भी अच्छे से नहीं हो पाया।